नो नेक्स्ट वी विल डू ग्रुपिंग ऑफ कॉल्स ग्रुपिंग ऑफ कॉल्स जैसे हम रजिस्टर्स में करते थे सीरीज पैरलो ना वैसे ही इसमें ग्रुपिंग ऑफ कॉयल्स है पहले कॉयल्स को हमने सीरीज में लगाया ठीक है एक कोईल लिया आपने वन कॉयल ली टू इसका सेल्फ इंडक्टेंस लिया एल वन इसका सेल्फ इंडक्टेंस ली एल टू यहाँ पर ई एम एफ सपोज जनरेट हुआ ई वन यहाँ पर जनरेट हुआ ई टू टोटल ई एम एफ कितना हो जाएगा ई सो वॉट इज ई टोटल ई एम एफ ई इज़ इक्वल टू ई वन प्लस ई टू टोटल एम कितना आ जाएगा सीरीज में ई वन प्लस ई टू ई का फॉर्मूला अभी आप करके हटे हो आपने पिछले टॉपिक में किया था इज इक्वल टू इज इक्वल टू न्यूमेरिकली नेगेटिव साइन को न्यूमेरिकल नेगेटिव साइन ओनली शोज द डायरेक्शन ओके दैट इट अपोज द ग्रोथ इट अपोज द विच प्रोड्यूस इट ए पोज द चेंज विच प्रोड्यूस तो नेगेटिव साइन को आप नेगलेक्ट करके न्यूमेरिकली लिख सकते हो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी अभी करके अटे हम लोग तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉमूला ई इज इक्वल टू सी ई क्या था टोटल कॉम्बिनेशन का था ना टोटल कॉम्बिनेशन का ई एम एफ कितना आया था ई e, तो हम ई e को लगा देंगे एल एस डी आई बाई डी टी अब देखो आपने सीरीज में ना सीरीज़ में क्या सेम रहता है करंट सेम रहता ई e को लगा ई e का फॉर्मुला क्या था आपके पास एल डी आई बाई डी टी तो वॉट इज ई एल एस डी आई बाई डी टी वॉट इज ई वन ई वन क्या आएगा एल वन डी आई बाई डी टी ई टू क्या आएगा एल टू डी आई बाई डी टी आई सब में सेम रखना है आपने क्यों क्योंकि इट इज़ इन सीरीज तो डी आई बाई डी टी थ्रू आउट कौनसल हो गया तो एल एस क्या आ गया एल वन प्लस एल टू सेम जैसे हम सीरीज रजिस्टेंस में लगाते थे अगर आपके पास एक रजिस्टेंस ए होता था एक रजिस्टेंस आर वन होता था एक आर टू होता था अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आर तो एस का फॉर्मूला क्या आता था आर वन प्लस एड टू सिमिलरली कॉयल्स में अगर आप दो कॉयल्स को ऐसे दो अलग अलग सेल्फ इंडक्टेंस वाली कॉयल को सीरीज में लगाते हो तो उनकी नेट सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आती है यू वू एडम लाइक द सीरीज इन रजिस्टर्स नेक्स्ट इज कॉयल इन पैरल पैरल में लगाओ एक कॉयल ये है एक कॉयल ये, ये है एक की सेल्फ इंडक्टेंस एल वन एक की सेल्फ इंडक्टन से एल टू ये आई करंट आ रहा है कुछ करंट यहाँ चला गया कुछ करंट यहाँ चला गया सीरीज में क्या सेम रहता है करंट पैरल में क्या सेम रहता है वोल्टेज वोल्टेज मतलब ई एम ओके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई इज़ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू आई इज़ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी ना अभी करके आते हैं इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है तो डी आई डी आई बाई डी टी क्या आ जाएगा यहाँ से देखो यहाँ से डी आई बाई डी टी क्या आ जाएगा आपके पास ई वाई एल ई एल तो वॉट इज डी आई बाई डी टी ई बाई एल पी पी फॉर पार्लर डी आई वन बाय डी टी डी आई वन बाय डी टी ई बाय एल वन वन का लिया था हमने एंड डी आई टू बाई डी टी डी आई टू बाई डी टी इज इसको आपने आई टू नाम दे दो इसको आई वन नाम दे दो सो वॉट इज डी आई टू बाई डी टी ई बाई एल टू एल ई कैंसिल हो गया था वॉट इज एल पी वन बाई एल वन प्लस आई बाई एल टू इट इज़ द सेम फॉर्मूला द सेम इन दी डू इन द रजिस्टर्स ओके तो जैसे हम रजिस्टर्स में सीरीज़ में हम क्या करते थे सिंपली करते थे ठीक है और पैरेलल के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते थे सेम फॉर्मूला है आपने जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते थे वहाँ पर आप, आप इंडक्टेंस की वैल्यू पुट करोगे ओके सो दिस वाज़ द ग्रुपिंग ऑफ कॉयल्स इन सीरीज एंड पैरेलल थैंक यू